जय हिंद साथियों। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट से एक और बड़ी अपडेट। एयरपोर्ट के पास आसियाना बनाने वालों की संख्या 20,000 के पार। भूखंड आवंटन में धांधली की जांच। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर 6% आवासीय भूखंड के आवंटन में धांधली को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। सोमवार को ACO अदिति सिंह ने सभी प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज मांगकर अध्ययन किया और जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, एयरपोर्ट के पास आसियाने का सपना देख रहे लोगों की जो संख्या है वो 20,000 के पार पहुंच गई है। 20,000 के पार अभी 7 अक्टूबर तक आवेदन करने का समय है। आवेदनों की संख्या 30,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। सोमवार को प्राधिकरण अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 20,203 लोगों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 9,510 ने फॉर्म डाउनलोड करके उसकी फ़ीस जमा कर दी है। इसके अलावा 6,875 आवेदकों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं और इनमें 3234 आवेदकों का पैसा भी प्राधिकरण के पास आ गया है। यमुना प्राधिकरण ने 7 सितंबर को योजना जो है वो लॉन्च की थी। योजना के तहत 60 वर्ग मीटर के प्लॉट से लेकर 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंड जो है इसमें आवंटित किए गए। 1 अक्टूबर से बैंक भी इस योजना को 90% तक फाइनेंस करना शुरू कर देगा। इस योजना में एक मुश्त पैसा जमा करने वालों की संख्या अधिक है और उन्हीं को प्राथमिकता दी गई है। योजना जो है वो सेक्टर 16, सेक्टर 17 ए, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 डी में है। 15 नवंबर को इसका जो ड्रॉ है वो निकाला जाएगा।